देख रहे हैं सेब की दुनिया। तो आज मैं पका रही हूँ, सुबह का नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए। सालन खत्म हो गया था, मैंने कहा चलो मैं अपने लिए पकाती हूँ आलू। काफ़ी दिन हो गए जीरे वाले आलू नहीं पकाए थे मैंने, तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ नाश्ता भी शेयर करती हूँ और साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो जिसके लिए ये है, मैंने ये देखें प्याज काट के मैंने परिवार में डाल दिया, साथ साथ मैं काटती हूँ साथ बनाती जाऊँगी। ये बुढ़ी बूढ़ी बूढ़ा की ये देखें इसके लिए साबुत मिर्चे नहीं है, जीरा लिया है और धनिया लिया सूखा और थोड़ी सी अजवाइन डाली है मैंने, बादी खत्म हो जाएगी और थोड़ी सी काली मिर्ची और ये नमक, बस इसमें यही मसाले जाएंगे। ठीक है, तो इसको प्याजों को होने देते हैं ब्राउन। तो मैं बनाती हूँ यहाँ आलू, ये देखिए आलू भी मेरे बनने वाले पड़े हुए हैं। जब तक प्याज होंगे ब्राउन तो मैंने आलू बना लेने हैं। ठीक है, मेरा प्याज हो गया जी ब्राउन, आलू कट रहे हैं देखो आलू कट रहे जी मैं, फिर प्याज हो गया ब्राउन, हूँ ऐसे पावगी मैं जीरा, ऐ देखो ऐ पावगी हूँ मैं जीरा। मेरा हाथ ना तम दखाना मैंने याद नहीं करता, वाई फटने का कोई नहीं मेरा। ठीक है, पहले मैं मिर्चा भी तोड़ ला के सारी चीज़ें इकट्ठियाँ ही पा देनी है मैं। ये इसको हाथ से तोड़ लेते, पहले चूल्हे तोड़ते हैं, इसको हाथ से ऐसे तोड़ दूँगी। ठीक है, ये मिर्चे तोड़ के पकाते हैं आलू, मैं चूल्हे से काटती हूँ अब ना, आपको भी दिखाना लाजमी है तो मैं ऐसे कर देती हूँ। आज मुझे अपनी बेटी बड़ी याद आती आ रही है, क्योंकि मुझे नाश्ते में देर होती है, अगर मेरी बेटी होती तो मुझे बना के खिलाती नाश्ता। तो ये देखें अब जैसा भी है, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, सीधी बेटियाँ दवाई मांगती हैं, इसको भी खा लूँगी और इसको अच्छी तरह बूंदी, इतनी देर मैं काटूँगी टमाटर, मिर्ची थी टमाटर काट के, यह मसाला भी है ना, इसको अच्छी तरह कर लिया। घी मैंने ऑयल थोड़ा सा डाला, हेल्दी पकाई है आज मैंने ना। ये स्टार्ट करती है टमाटर, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर और सबस मिर्चें। ठीक है, बेटी मेरी कांगड़ा भी पकड़ लिया करती है, इतना आसान होता था है ना, इसको भूनूंगी अच्छी तरह, फिर इसके अंदर डालूंगी। यहाँ बेसिकल इसमें हल्दी नहीं डालते जीरे वाले आलूओं में, लेकिन मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ, बताऊँ क्यों, हड्डियाँ गोटे पीड़ करते हैं सही हो जाएंगे सारा, बाकी कम हो जाएगी। हालांकि मैंने वो डाली है इसके अंदर क्या से कहते हैं, थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है, हल्दी भी डाल देते हैं, कोई मजाका नहीं, लेकिन डालते नहीं हैं आप, जब पकाने होंगे तो आप हल्दी चाहे ना भी डालें, लेकिन मैं यहाँ डाल रही हूँ। ठीक है, इसको लेंगे अच्छी तरह भून, कैमरा कोई पकड़ने वाला और होता ना कोई तो मज़ा आ जाता, मेरा ना उस टाइम जो है मुझे लगाना ही नहीं आता, पता ख़राब हो गया एक पेज उसका घुमा, एक पेज की वजह से सारा ख़राब हो गया, लेकिन वो मैं आप ढूंढ के लगाऊंगी। ठीक है, ये देखिए मसाला भी हो गया मेरा, जख जान अच्छी तरह भून गया। अब इसके अंदर डाल देंगे आलू, आलू को भी करेंगे फ्राई इसके अंदर, पानी बाद में डालने के अच्छी तरह भून देना अपने आलू को भी, मैं डाल लूँ पहले फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा। कितनी अच्छी तरह मेरे आलू भून गए, इनका रंग देखें आप चेक करें कितना प्यारा इसका बना है। तो कभी कभी जल्दी उठने को दिल भी नहीं करता, मैं उठी तो थी सुबह, तो मैंने मेथी दाने का पानी पिया, फिर जो पानी बना के रखी मेथी दाना और सोलमंजी का पानी पिया, एक सेब खाया, तो फिर मैं लेती थी, तो फिर मैं उठी हूँ, उठ के मैंने वजू किया, फिर मैंने ना वो पढ़ा पुराने पाक पढ़ते पढ़ते ना टाइम का पता नहीं चला, एक बज गया, तो मैंने कहा मैंने तो नाश्ता करना है, तो देखी तो साला नहीं था, फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी आलू पका लेती हूँ। तो यहाँ पक रहे हैं जीरे वाले आलू, साथ ही मैंने रख दिया तवा और मैं इसमें डालूँगी पानी और पकाऊँगी रोटी, साथ साथ ऐसे काम करो जल्दी जल्दी हो जाती है। चलो उतना पानी मैंने डाल दिया, है दादू के साथ हेल्प कराने आई है, ये देखें खेला खोला हेल्प कराने आई है, मेरे साथ हेल्प करवाने आ गई है, माशाल्लाह ये देखें खुद ही कुर्सी पे चढ़ी है। आलू और इतनी देर मेरी पक जाएगी रोटी, फिर मैं खाऊंगी करूंगी नाश्ता, दोपहर की रोटी भी होगी एक किस्म की, साथ ही मियाँ की पका दूंगी, ताकि मियाँ साहब ने भी करनी है दोपहर को, मैंने पढ़नी है नमाज, तो फिर देर हो जाएगी रोटी पकाने की, रोटी पका के रख दूंगी, तो टाइम तो हो गया है, तो फिर मियाँ को भी खाना दे दूँगी, दोपहर का हमारा खाना हो गया। ठीक है, तो अब इसको लगाती हूँ लीड और पकाती हूँ रोटी, पहले बर्तन धो लूँ साथ, बर्तन बड़े पड़े हुए हैं वो धोऊँगी पहले मैं। ठीक है, फिर मैं पकाऊँगी रोटी, उतने जो आलू जाएंगे कल। ये मेरी ये मैंने धोए हैं बर्तन, ठीक है, और ये कढ़ाई का भी ये सिंक वगैरह भी साफ़ करना मैंने, और नाश्ते के बाद ही करूँगी। ठीक है, अब मैं ये धो लूँ ज़रा कढ़ाई। ठीक है, हूँ लवानगी मैं बाद ही रोटी रोटी खा के, थोड़ा सा झाड़ू भी देगी गाँव ये कुत्ते, रोटी में पका रही है चपाती तवे ते, दो देखो मैं कट्ठियाँ वेलनी पई है, देखो जरा कट्ठियाँ इन्नी जल्दी है, ये देखो कम करना इन कट्ठियाँ वेलनियाँ, दो रोटियां ना, हाँ तो आलू भी तुम दिखावा हूँ मैं,
मेरे आलू, ठीक है। आलू भी किस्म के गल के जे यकीन करो अद्धे घंटे के अंदर मैं बर्तन भी धोते जे हांडी भी पकई जे रोटी भी हो गई जे मेरी है अद्धे घंटा लग गया किस्म का। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी गुफो छोटी गुफो मेरे कहते होंगे सी असी जो जाना ना अपनी गुफो के घर उन्होंने बेटियां मेरे हां दियां होंदियां सी, ठीक है ना। हां दियां उन्होंने बेटियां मेरे नाल दियां होंदियां सी कि असी काम करना ना उन्होंने कहना बड़ा काम किए बड़े काम किए एक ने भांडे धो लेने एक ने सफाई कर लेनी कैक्शा होंगी सी चिड़िया होंगी सी मैं होंगी सा है असी हानू हान से साढ़ा पुप्पो के घर छोटी घर बहुत असं जाने होंने सी उन्होंने काम करने की बारी आनी ना उन्होंने कहना कुड़िया ने कहना असं यह काम कर लो मेरे पुप्पो ने कहना लै यह काम तुम कर दी यह काम असं पैरों ना कर दीए असं कैसे किसान पैरों ना कर दी तो अज वह मिसाल जी ना सही साबित हो गई जे यह पं अधे घंटे काम सारा मेरा हो गया बर्तन भी धुच गए जे भांडे भी धो गए हांडी भी पक गई जे रोटी भी पक गई जे ठीक है ना। अगर इंसान करना चाहे तो अल्लाह किसी का मुहताज ना करे अपना मुहताज रखे सही है ना। असी किसी करके दिए सानू किसी करके ना देना पवे किसी सानू करके ना देना पे मैं तो अल्लाह को यही दुआ मांगनी जी। तो चलो जी मिलनी रोटी खाने लगे तुम फिर है तो आखिरी रोटी पक गई है तो हूँ मैं उन्होंने देखनी हाँ ये पावगी मैं हूँ धनिया हूँ भी तो पतला करना ना एंड धनिया पा के दम दे दो तेन पकाना नहीं चूल्हा मैं बंद करता जी इनू पकाना नहीं तो यह बहुत ही फायदा तुम्हें देगा तो बंद देखा जल्दी जल्दी से कल थे मैं डिग्या चलो ये देखो धनिया पावे ना तो खून कैसट्रोल घट हो जाएगा खून चीज़ें चर्बी हो जाती खून की धनिया एंड के पान ना वो तभी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा खून दृश्य खून पतला भी होगा तो चर्बी भी निकल जाएगी। तो आलू अस कि प्यारे मेरे आलू धुएं निकलते पे जे ए मेरी रोटी ए मेरा दही ए नाल पंडा गिलास सब तो पहले मैं पानी पियाँगी ठीक है सब तो पहले पीऊँगी पानी पानी का गिलास पीते पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठीक है। अब हम खाना का शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह खाने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम कर रही हैं तो ये मैं खा रही हूँ कर रही हूँ मैं यहाँ नाश्ता दोपहर का बज गया है एक मियाँ साहब की रोटी मैंने पका दी अब मैं पढ़ूँगी खाना खा के सुकून से नमाज। तो इसके साथ आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग मेरा आपको बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।